अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है टेस्ट नंबर 6 क्लास 6 आपका चैप्टर नंबर 3 सेकंड हाफ जो है ना वो हमने डिस्कस करना है, जिसका टेस्ट आपका सैटरडे वाले दिन 2 मई को होना है। ठीक है, इसमें हमारे पास टॉपिक है, वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज वेल सुटेड टू फोटोसिंथेसिस। वो कहता है कि जो लीफ की स्ट्रक्चर है, पत्ते की स्ट्रक्चर जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों मुनासिब है, उसकी क्या वजह है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के पत्तों पर ही क्यों होती है, अदर थिंग्स में क्यों नहीं होती, एनिमल्स में क्यों नहीं होती, ह्यूमंस में क्यों नहीं होती, अदर थिंग्स में क्यों नहीं होती, वजह क्या है। वजह आपकी बुक पर पेज नंबर जो आप याद रखिएगा 29 आपने पेज ओपन करना है। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे और ये आपने अच्छे से याद करें। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, वो कहते हैं मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कुछ ऐसे हमारे पास जो लीफ होते हैं उनके क्या होते हैं, मैक्सिमम वो लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनके जो लीफ होते हैं ना वो ब्लेड टाइप होते हैं, और ब्लेड टाइप लीफ जो होते हैं वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, ये देखें इस तरह के जो है ना डायग्राम के अंदर, ये देखें ये आपको ब्लेड टाइप जो है ना वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं, देखें लीव्स आर थिन, पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, थिन होते हैं, थिन मतलब पतले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच द इनर सेल इजिली, क्योंकि जब ये लीव जो हैं थिन होते हैं, जब पतली चीज़ होगी तो उसके अंदर, इस थिन लीव्स के अंदर CO2 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है ना इसके इनर सेल्स तक इजिली पहुँच जाएगी, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि लीव्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा आप जानते हो कि जिसके जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एंड इन द लोअर एपिडर्मस, आप ये क्लास जो है ना इसी चैप्टर के शुरू में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस कर चुके हो, आपको लोअर एपिडर्मस के अंदर नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे स्टोमेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटर ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर लीव थ्रो स्टोमेटा। चौथा पॉइंट देखिएगा, थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल मेक्स इनफ फूड फॉर द प्लांट। अब जो थिक लेयर होती है किसकी भला, मेसोफिल सेल की, तो मेसोफिल सेल का काम क्या होता है, थिक लेयर का वो ये काम होता है कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो जब वो थिक लेयर उनकी बन जाती है तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फूड, खुराक बनाते हैं। ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, वास्कुलर बंडल पांचवा पॉइंट देखिएगा, वास्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स वेन इन द नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम। अब होता क्या है कि वास्कुलर बंडल जो है ना वो लीफ की फॉर्म के अंदर, सपोज कर लें कि हमारे पास जो है ना ये एक पत्ता है फ्लावर, ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये आपको मिड रिब नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इन्हें कहा जाता है क्या भला, मिड रिब्स कहा जाता है, ये मिड रिब नज़र आ रही होगी। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, वेंस की शाम के अंदर मौजूद होती हैं, और इनका काम क्या होता है कि वाटर की सप्लाई को H2O वाटर की सप्लाई को क्या करना, ठीक है, ईजिली दूसरे सेल्स में पहुँचा देना। उसके बाद ये तो हो गया कि इसी वजह से जो है ना ये जो 5 पॉइंट्स की प्रूव करते हैं कि लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो वेल सुटेड होती है किसके लिए वाला, प्लांट्स के लिए। उसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, प्लांट्स जो हैं वो कैसे गैसेस का तबादला होता है। रेस्पिरेशन जो है ना इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इन लिविंग थिंग्स। याद रखिएगा रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, एनर्जी पैदा करने का एक तरीका है, कार एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस किसके अंदर भला, लिविंग थिंग्स के अंदर, किसके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स जो हैं यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस। देखें मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, हमने डिस्कस पहले किया था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आई थिंक वाटर, ठीक है, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है, हमने ये कहा था, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ द ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी, ठीक हो गया। अब हुआ क्या, ये है फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, ये है जनाब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है,
अब इसमें जो है ना फ़र्क हम देखेंगे नेक्स्ट के अंदर वो किस तरह होगा, मैं आपको सिंपली अब बताता है। वो कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लेस, वही बात दोबारा कर रहा है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। दीज स्टेप्स आर एस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दो स्टेप होते हैं, ठीक है। एक होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और एक हमारे पास क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है। डे टाइम की बात करते हैं, डे टाइम के अंदर क्या होते हैं, डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सूरज की रोशनी मौजूद होती है, अटैक करती है लीफ के ऊपर और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। नाइट टाइम क्या होता है, नाइट टाइम होता यह है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, रेस्पायरेशन शुरू हो जाती है और प्लांट्स जो है ना टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पायरेशन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा, उसके अंदर मुकम्मल आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं किसका वाला, फोटोसिंथेसिस का और रेस्पायरेशन का कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। कि डिफरेंशिएट बताएं, क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस्पायरेशन एंड द प्लांट्स, तो आपने वो टोटली डिस्कस करना है। देखें जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, रेस्पायरेशन, डिफरेंशिएट है। फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है, अक्कर इन प्लांट्स, कहाँ होती है ये, अक्कर इन प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, अक्कर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये कहाँ होती है, अक्कर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ पौधों के अंदर होती है, रेस्पिरेशन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ठीक है। ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस, ये कौन सा होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, ये फूड यूजिंग प्रोसेस होता है, ये बनाता है, ये यूज करता है, फूड यूजिंग प्रोसेस। उसके बाद, ठीक है, ये ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी ट्रैप करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है ना यहाँ बनता है मेट और यहाँ क्या होता है ब्रेक, टूट जाता है, ब्रेक ग्लूकोज। उसके बाद, ठीक है, इसके अंदर वही दोबारा इक्वेशन अगर हम देखें तो CO2 प्लस हमारे पास H2O रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, ग्लूकोज और प्लस हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन आती है। और इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज हमारे पास जो है ना वो प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और बनता क्या है, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। दिस इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस्पायरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। और इसके अंदर लास्ट में आपने जो है ना MCQs भी करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आ सकता है, और इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पायरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया भी जरूर देखिएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और इसके अलावा आपने कोई बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।